हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कड़ा प्रसाद या आटे का हलवा। और ये बहुत ही टेस्टी स्वीट्स है, आप घर पे बहुत इजी तरीके से बना पाओगे। और मैं इसका मेजरमेंट बताऊंगी, इस तरह से बनाओगे तो आपका प्रसाद बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। मैंने स्टील का कढ़ाई ले लिया है। आप स्टील का या कास्ट आयरन का या लोहे वाला कढ़ाई भी ले सकते हैं, तो वो कढ़ाई में ये प्रसाद बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ ना करें। तो मैंने घी को मेल्ट करके एक कटोरी घी डाला है और मेल्ट करके डाले, और बराबर कटोरी में मैंने डाला है आटा, और इन्हें आपको लगातार चलाते हुए भूनना है, अच्छा दानेदार बनने तक भूनना है। और फ्लेम को बिल्कुल इस तरह से सिम कर लीजिए, मतलब मीडियम सिम से थोड़ा सा हाई कर लीजिए, लो मीडियम कर लीजिए, और लो मीडियम फ्लेम में आपको इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। और जब तक ये दानेदार बन ना जाए तब तक आपको भूनना है। और भूनते भूनते आपका हाथ भी दर्द हो सकता है, लेकिन इस काम के लिए आपको रुकना नहीं है। तो इस तरह से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, तो इस तरह से आपको भूनना है। ये देखिए, आटे को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और दानेदार भी दिखने लग गया है। ये देखिए, अच्छे से भून लिया है, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। अभी पानी डालेंगे। पानी आप हल्का गुनगुना कर लीजिए। पानी आप कितना डालेंगे? मैंने 1 कप आटा लिया था, और अभी हम 3 गुना पानी डालेंगे। 3 कप मतलब 3 कटोरी पानी डालेंगे। और पानी डालते ही आपको लगातार चलाते रहना है, लम्स बनने नहीं देना है। और बराबर क्वांटिटी में मैंने चीनी डाला है। 1 कटोरी आटा लिया था, 1 कटोरी चीनी डाला है। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप बनाकर ज़रूर देखिए। और अच्छे से कुक करने के बाद ये खट्टा होने लग जाएगा और कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। तब तक आपको इन्हें लगातार चलाते हुए रहना है। और ये देखिए, हमारी हलवा बन के तैयार है, कड़ा प्रसाद बन के तैयार है। और इस प्रसाद को अभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, घी भी देखने लग गए। ये देखिए, हमने प्लेट में निकाल लिया है सर्व करने के लिए। और इस हलवा का एक ही निशानी है, आपको किनारे किनारे जब घी निकलने लग जाए ना, तो हलवा बिल्कुल परफेक्ट है। और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।